आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ एट योर होम। सो लास्ट वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन उसके साथ साथ बिना मात्रा वाले शब्द रीड भी किए थे और लिखे भी थे। आई होप कि आप सबने अपना वर्क 4 नंबर में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे आ की मात्रा। ये स्टार्ट करने से पहले आप परिवेश में पेज नंबर 13 पर स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लो ताकि आपको स्वर और व्यंजन वापस से याद हो जाए। उसके बाद हम आ की मात्रा शुरू करते हैं। ओके, तो एक रिवीजन कर लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने वो रिवीजन कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मात्रा। अब हम एक एक स्वर की अलग अलग मात्राएं सीखेंगे। ओके, सबसे पहली मात्रा है आ की मात्रा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आ की मात्रा की निशानी उनका साइन कैसे होता है। आपको पता ही है कि आ की मात्रा का साइन कैसा होता है, स्टैंडिंग में, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हर एक वर्ण के साथ आ की मात्रा को हम ज्वाइन करेंगे। जैसे कि हमने लिया है क प्लस आ, तो क को आ, क और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क प्लस आ का। वैसे ही अगर हम ग को आ के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, ग प्लस आ गा। अब हम आ की जगह पे निशानी लगाएंगे, जैसे कि घ, घ प्लस आ तो घा। तो ये आपको समझ आ गया, कोई भी वर्ण के साथ अगर आ की मात्रा लगेगी तो उसके उच्चारण में पीछे हम आ लगाएंगे, जैसे कि का, गा, घा, चा, छा, एक्सेट्रा। ओके, अब हमें ये भी सीखना है कि मात्रा की निशानी हम लगाएंगे कहाँ पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक मात्रा की निशानी अलग अलग जगह पे लगती है। जैसे कि ये वर्ण होता है उसके आगे, पीछे, ऊपर या नीचे, हर एक मात्रा अलग अलग जगह पे लगती है। आगे मात्रा कहाँ लगाएगी, आपको पता चल गया, यस करेक्ट, आ की मात्रा कहाँ लगती है, वर्ण के पीछे। समझ आ गया। तो अब हमने ये राइटिंग तो समझ लिया, अब मैं ओरली आपको पूछती हूँ, चलिए देखते हैं आपको समझ आ गया कि नहीं। अब मैं बोलूंगी और आपको उसका आंसर देना है। ओके, जैसे हमने ये किया घ प्लस आ तो क्या बन गया, घा। वैसे ही च प्लस आ क्या बन जाता है, कर, चा। नेक्स्ट वन, थ प्लस आ क्या बन गया, था, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, झ प्लस आ की मात्रा क्या बन गया, जा, वेरी गुड। नेक्स्ट, ट प्लस आ की मात्रा क्या बन गया, टा, वेरी गुड। वैसे ये मात्रा तो बहुत इजी है ना, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आ की मात्रा लगती है तो उच्चारण में हम आ बोलते हैं और आ की मात्रा हमें कहाँ लगानी है, वर्ण के पीछे, वेरी गुड।